शुभम गणोति मंगलम। प्रभु श्री राम की कृपा आप सभी पर बनी रहे। मैं रूपाली श्रीवास्तव आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं। तो चलिए जानते हैं कि क्या हो सकता है आपके साथ और क्या राशियां कर रही हैं आपके साथ और आपका जीवन किस दिशा में जा रहा है। तो इसको जानने के लिए सबसे पहले हमें चर्चा करनी होगी मेष राशि के विषय में। तो जिनकी राशि मेष है उनके जीवन में आज थोड़े से ठहराव की स्थिति है। प्रॉपर्टी अगर आप खरीदना चाह रहे हैं तो बिल्कुल प्रयास करें, आपको प्रॉपर्टी मिल सकती है, रुका हुआ धन मिल सकता है। कुल मिलाकर शेष आपका कार्य सफल होने की तरफ है, लेकिन कहीं ना कहीं मन को थोड़ा सा नियंत्रण रखें, क्योंकि मन पर आपका नियंत्रण धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है जो आपको हताशा की तरफ तेजी से लेकर जा रहा है। तो चलिए चर्चा करते हैं वृषभ राशि के स्टार्स क्या कहते हैं। जिनकी राशि वृषभ है उनके जीवन में पहले से स्थिति बेटर है। कई डिसीजंस आपको लेने पड़ सकते हैं अपने कैरियर को लेकर, अपने स्वास्थ्य को लेकर। अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें, लापरवाही ना करें। रुका हुआ धन मिलने की भी आपको प्रबल संभावना है। किसी प्रकार की प्रॉपर्टी गाड़ी खरीदने का प्रयास कर रहे हैं तो भी आपको सफलता मिलेगी। कुल मिलाकर समय आपका अच्छा है, अच्छे समय में अच्छा कार्य कर लेना चाहिए, वही हमारी समझदारी होती है, हमारे जीवन का पॉजिटिव प्रारब्ध होता है। तो चलिए चर्चा करते हैं मिथुन राशि के स्टार्स क्या कहते हैं। तो जिनकी राशि मिथुन है उनके जीवन में स्थिति अच्छी है, कार्य की स्थिति भी अच्छी है। विवाह के जिनके योग नहीं बन रहे हैं अचानक उनके विवाह के योग बनेंगे। रुका हुआ धन भी आपको मिलेगा, पुराने मित्र से आपकी मुलाकात होगी और कहीं ना कहीं आपका पॉजिटिव लेवल बढ़ेगा, जिससे आपको कई दिशाओं में उन्नति के अवसर खुलेंगे। कुल मिलाकर समय आपका अच्छा है, आपके यात्रा के योग बन रहे हैं, धार्मिक यात्रा भी आप कर सकते हैं। तो चलिए चर्चा करते हैं कर्क राशि के स्टार्स क्या कहते हैं। कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन अच्छा नहीं है, स्वास्थ्य के प्रति अनदेखा ना करें। आज के दिन किसी को धन उधार में ना दें, नहीं तो वो वापस नहीं आएगा। कहीं ना कहीं स्वास्थ्य को लेकर भी अप डाउन बना हुआ है, मानसिक रूप से भी आप परेशान हैं। मन को शांत रखें, दिन को गुजर जाने दीजिए। तो चलिए चर्चा करते हैं सिंह राशि के स्टार्स क्या कहते हैं। सिंह राशि वालों के लिए दिन आज का बहुत शुभ है। बहुत दिनों से जो आपके कार्य में रुकावट आ रही थी आपको आज समाधान मिल सकता है, आपका रुका हुआ धन मिल सकता है, आपको कोई ऐसा सपोर्टिव हैंड्स मिल सकता है जो आपके जीवन में आपके कार्य को काफ़ी आगे तक ले जाए और आपको आपकी परेशानियों से बाहर निकाल दे। बस प्रयास आप करते रहें तभी आपको कोई रास्ता निकल कर आएगा। तो चलिए चर्चा करते हैं कन्या राशि के स्टार्स क्या कहते हैं। कन्या राशि वालों के लिए दिन आज का शुभ है, लेकिन कहीं ना कहीं मन आपका उदास है। चीज़ें पॉजिटिव होंगी, चीज़ों को पॉजिटिव वे में ही रहें। कई बार हम भी थोड़े से निष्क्रिय हो जाते हैं अपने कार्य के प्रति, अपने लाइफ के प्रति, तो जीवन भी थोड़ा स्लो चलने लगता है। थोड़ी सी जीवन को रफ्तार दें, आपको जरूर पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। तो चलिए चर्चा करते हैं तुला राशि के स्टार्स क्या कहते हैं। तुला राशि वालों के जीवन में भी पहले से स्थिति बेटर है, नॉर्मल वे से काफ़ी अच्छे डायरेक्शन में आप जा रहे हैं, धन आपके पास आ रहा है। लेकिन जिस गति से आपको वो धन प्राप्ति की स्थिति मुझे बनती हुई दिखाई दे रही है, वो आपके लिए लेबल जो है वो उतना पॉजिटिव नहीं है। चीज़ें रुक रुक कर हैं और जिसके कारण आपको नुकसान की स्थिति भी बन सकती है। सिर्फ धन का ही नहीं, मन का भी नियंत्रण होना चाहिए, जीवन में स्वास्थ्य के प्रति भी समझदारी होनी चाहिए, नहीं तो समस्या आ सकती है। तो चलिए चर्चा करते हैं वृश्चिक राशि के स्टार्स क्या कहते हैं। तो जिनकी राशि वृश्चिक है उनकी स्थिति भी पहले से बेटर है, लाभ होगा आपको, कहीं ना कहीं स्थिति पहले से बेटर है। संबंध भी आपके लोगों के साथ सुध रही है, खासकर प्रेमिका के साथ आपके संबंध अच्छे हो सकते हैं। लव लाइफ आपकी पहले से बेटर हो सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं छल की स्थिति में आप ज़्यादा मत दें, क्योंकि कहीं ना कहीं दूसरों से किया गया छल भी हमें भविष्य में निगेटिव परिणाम जरूर देता है। तो कोशिश करें कि आप अपने रास्ते पर चलें और दूसरों के हक को लेने का प्रयास ना करें। तो चलिए चर्चा करते हैं धनु राशि के स्टार्स क्या कहते हैं। तो जिनकी राशि धनु है उनकी स्थिति भी पहले से अच्छी है, लेकिन कहीं ना कहीं आपका मन उदास है। स्थिति पहले से बेटर करने के लिए आपको बहुत कुछ सोचना होगा, समझना होगा, फिर जीवन में आगे बढ़िए। किसी पर भी भरोसा ना करें, आपको उससे नुकसान हो सकता है। तो चलिए चर्चा करते हैं मकर राशि के स्टार्स क्या कह रहे हैं। जिनकी राशि मकर है उनकी स्थिति पहले से बेटर है, चीज़ें भी आपकी पहले से उभर के आएंगी, आपका टैलेंट लोगों तक के पहुँचेगा, लेकिन कहीं ना कहीं पहले जैसे आप स्थिति में नहीं है, मन पर आपका काबू नहीं है, जिसके कारण आपके जीवन में भटकाव की स्थिति हो रही है। सोच समझ कर जीवन में निर्णय लें, अन्यथा नुकसान हो सकता है। तो चलिए चर्चा करते हैं कुंभ राशि के स्टार्स क्या कह रहे हैं। जिनकी राशि कुंभ है उनकी स्थिति पहले से तो बेटर है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा अप डाउन भरा हुआ है, मन में आपकी हताशा है। लेकिन रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, अचानक आप कहीं बाहर जा सकते हैं,
चीजों को पहले से बेटर करने का प्रयास करें, आपको लाभ जरूर होगा। तो चलिए चर्चा करते हैं मीन राशि के स्टार्स क्या कहते हैं। तो जिनकी राशि मीन है उनकी स्थिति पहले से बेटर है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपडाउन आपकी लाइफ में लगा हुआ है। पैसों को लेकर भी, मानसिक रूप से भी, आर्थिक, मानसिक और शारीरिक तीनों प्रकार का कष्ट है, जिससे कि आपकी लाइफ थोड़ी सी स्लो हो गई है या डेस्टिनी जैसे आपको सपोर्ट करना चाहिए वैसा नहीं कर पा रही है। हताश ना हो, समय का इंतजार करें, आपके जीवन में भी पॉजिटिव समय जरूर आएगा। तो आपने जाना कि क्या कहती हैं आपकी राशियां और क्या हो सकता है आपके साथ। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। एक बार आपको फिर से याद दिला दूं, आप हैं रूपाली श्रीवास्तव के साथ और जान रहे थे अपनी राशियों का हाल सितारों की गति के अनुसार। नमस्कार।